2017 में 2022 को भारत कैसा हो, ये संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करेंगे और करके रहेंगे के संकल्प के साथ न्यू इंडिया का आह्वान किया, जिसे पूरा करने के लिए पूरा देश दृढ़ संकल्पित होकर जुट गया है। न्यू इंडिया के संकल्प को लेकर देश भर में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आतंकवाद, संप्रदायवाद, गरीबी और अशिक्षा को मिटाने के लिए संकल्प पर्व का आयोजन हो रहा है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के ग्वालियर स्थित फैसिलिटेशन सेंटर मेला परिसर में संकल्प से सिद्धि पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री और स्थानीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर ग्वालियर महापौर विवेक नारायण शेजवलकर, सेना के पूर्व अधिकारी, सैनिक और उनके परिजन सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर वासियों को संकल्प से सिद्धि के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत शपथ दिलवाई। सिद्धि में परिवर्तन करें, नए भारत के निर्माण का हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, आतंकवाद मुक्त भारत का, इस सिद्धि के लिए हम सब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, और आज 2017 से 2022 का भारत कैसा हो, इस संकल्प को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए हम लोगों को देश से भ्रष्टाचार दूर करने, गरीबों को उनका अधिकार दिलाने, सबको मिलकर नौजवानों को स्वरोजगार देने, देश से कुपोषण की समस्या को खत्म करने, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली बेड़ियों को समाप्त करने, देश से अशिक्षा खत्म करने और करके रहेंगे के संकल्प को साथ लेकर हर भारतीय को आगे बढ़ना है और इस संकल्प को 125 करोड़ देशवासी मिलकर पूरा करेंगे, ताकि संकल्प से सिद्धि के 5 साल 2017 से 2022 तक आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम इन्हें पूरा करके दिखाएं और दुनिया के लिए एक प्रेरणा बने। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के लिए हम सब लोगों को आराम दिया है। 9 अगस्त से लेकर अभी तक संकल्प का देना जो 14 कार्यक्रम है और आज स्वतंत्रता दिवस है, एक दिन हम संकल्प लेंगे तो यह संकल्प अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज हमारे देश की यात्रा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जो देश भारत को अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, वह देश भी आज ये कहने को बाध्य हो रहे हैं कि आने वाले कल में 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने वाला कोई राष्ट्र बनेगा तो उस राष्ट्र का नाम भारत। संकल्प पर्व के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिक शामिल हुए। कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों और सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 24 वीर नारियों और 13 सेवानिवृत्त सैनिकों का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शॉल, श्रीफल और रामायण देकर सम्मान किया। नौ अगस्त 1942 जो कि संकल्प पर्व था, उसकी 75वीं वर्षगांठ हम लोग इस वर्ष मना रहे हैं तथा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय केंद्रीय मंत्री
श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सैनिकों के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों को और कुछ भूतपूर्व सैनिकों को उनके योगदान के लिए और उनके बलिदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री जी ने उपस्थित सभी भूतपूर्व सैनिकों और परिजनों को संकल्प दिलाया कि ये वर्ष 2017 को हम संकल्प लें कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। ये बहुत बड़ा अभियान है और इसमें हम लोगों को जितना भी सहयोग मदद होगी उसकी पूरी पूरी तरह से कोशिश करके एक नए भारत के निर्माण के लिए हम आगे कोशिश करेंगे। देश सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले वीर जवानों और उनके परिजनों ने इस कार्यक्रम से खुद को गौरवान्वित और अभिभूत महसूस किया और प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के सपने को एक क्रांतिकारी कदम बताया और इसे पूरा करने में अपना पूरा सहयोग देने की बात कही। निसंदेह रूप से एक बहुत अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को संसद में भारत की प्रथम भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था उसकी स्थिति पर देशवासियों को इस संकल्प के लिए तैयार करने की बात कही है कि भारत हम एक सब मिल के एक नए भारत का निर्माण करें और ये देश आतंकवाद भ्रष्टाचार सांप्रदायिकता जैसे उनसे मुक्त हो सके। ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है। इसी क्रम में जो मैं माननीय केंद्रीय मंत्री तोमर साहब ने जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और आम लोगों को संकल्प दिलवाया, निसंदेह एक अच्छी पहल है। अगर सभी लोग मिलकर इस ओर काम करते हैं तो देश एक नए देश का निर्माण होगा और एक नए समाज का निर्माण होगा जो सभी के लिए हम सभी के लिए अच्छा है। ये हिंदुस्तान भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहा है। जिस प्रकार से अंग्रेज इस भारत पर बुराई के रूप में छा गए थे उसको 1942 में जब हटाया गया भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से, ठीक 75 साल बाद किसी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। पहले तो वो स्टेप बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया है। इस देश से जातिवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों को देश से दूर जाना चाहिए। जिस प्रकार से हमने 1942 में सबको बाहर किया था, आज वही वक्त आ गया है कि हम इन बुराइयों को भी उसी तरह इस देश से दूर कर दें। ग्वालियर के फैसिलिटेशन सेंटर मेला परिसर में आयोजित संकल्प पर्व के दौरान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गईं। देशभक्ति से उत्प्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। आज़ादी के पुनीत पावन अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम के दौरान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी हुईं। सुर और ताल से सजी शाम को नन्हे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से और भी देशभक्तिपूर्ण बना दिया।
स्वाधीनता हासिल करने के लक्ष्य को लेकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए नन्हे कलाकारों के दलों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की कोशिशें अनवरत जारी हैं और देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबी, जातिवाद, सांप्रदायिकता और अशिक्षा से मुक्त करने के संकल्प के साथ लोगों से आगे आकर काम करने का आह्वान किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का यह 75वां वर्ष है। 15 अगस्त के दिन सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ हम शाम बिताते हैं और आज भी यह कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में संबंधित लोग उपस्थित थे और इस अवसर पर भी सभी लोगों ने मिलकर संकल्प लिया कि आने वाले 5 वर्षों में 2022 तक
हम सब मिलकर गरीबी से लड़ेंगे, अशिक्षा से लड़ेंगे, जातिवाद से लड़ेंगे, संप्रदायवाद से लड़ेंगे, गंदगी से लड़ेंगे, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और 2022 में नए भारत के निर्माण में जो भी अपेक्षित योगदान है उस योगदान को हम पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो संकल्प आज है हम उस पर बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और इंडिया को बुनियादी रूप से मजबूत बनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की यात्रा है वो आने वाले कल में एक न्यू इंडिया खड़ा करने वाली है और इसलिए इस संकल्प से प्रत्येक देशवासी जुड़े ये हमारी कोशिश है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है और हर देशवासी एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा और इसलिए यह संकल्प यात्रा 15 अगस्त से 30 अगस्त तक हम लोग सारे देश में कर रहे हैं। हर जगह पर देश के बड़े शहरों में केंद्र सरकार के मंत्री भी जाने वाले हैं, राज्य सरकारें भी इस कार्यक्रम को संपन्न करने वाली हैं। संकल्प 2017 और सिद्धि 2022 यह यात्रा हमारी है। 71वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्वालियर में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया। स्वाधीन भारत के युवाओं के संग आयोजित इस तिरंगा यात्रा में उत्साह भी था, उल्लास भी था, नए सपने भी थे और नई सोच का समावेश भी था। ग्वालियर के कटोरा ताल थीम रोड से शुरू हुई तिरंगा यात्रा से देशभक्ति की एक नई अलग दिखाई। जैसे 1942 में संकल्प लेकर के हम लोग 5 साल के बाद 1947 में आज़ादी पाए थे, उसी तरह से यह भी संकल्प हम सिद्ध कर सकते हैं। और हम भूतपूर्व सैनिक जो कि एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर जातिवाद नहीं है, धर्म नहीं है, संप्रदायवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है और स्वच्छ वातावरण रहता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा योगदान इस कार्यक्रम में ले सकते हैं, इस मिशन को हम लोग दे सकते हैं। खुद भी संकल्प ले सकते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार निवारण के लिए, संप्रदायवाद मुक्ति के लिए हम योगदान दे सकते हैं। खुद भी इस मुहिम में जुड़ेंगे और हम भूतपूर्व सैनिक पूरी तरह से इसमें लग जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का संकल्प से सिद्धि का मिशन है वो पूर्ण होगा और 2022 तक हम एक नए और उज्ज्वल भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे। भारत की स्थिति दुनिया के पटल पर एक विकसित और ट्रांसफॉर्म्ड देश के रूप में उभर कर आएगा। इस यात्रा में युवाओं और आम नागरिकों के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शामिल होकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया। वीर सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शुरू हुई इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी और युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं को आजादी का मतलब बताने और उन्हें सपनों का नया भारत गढ़ने की सीख देते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए भारत के निर्माण का संकल्प भी दिलवाया। गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद जैसी बुराइयों से देश को मुक्ति दिलाने और स्वच्छ शक्तिशाली भारत के निर्माण की बात कहते हुए केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने 2017 को संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद केंद्र और प्रदेश की सरकार वर्ष 2017 को संकल्प वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सशक्त नेतृत्व के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर दिख रही है। 70 साल होने पर अगस्त क्रांति को पूरे वर्ष भर हम संकल्प पर्व के रूप में मनाने वाले हैं और इसलिए आज ग्वालियर में ये तिरंगा यात्रा है, ऐसा मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में आज होगी, कहीं कल होगी और इस यात्रा के माध्यम से
हमारी कोशिश है कि लोगों में भारत छोड़ो आंदोलन के जो हमारे बलिदानी शहीद हैं उनका इतिहास उसके सामने आए, संघर्ष उनका सामने आए, बलिदान का हम पुण्य स्मरण करें जिससे भविष्य की पीढ़ी आज़ादी के मूल्य को ठीक प्रकार से समझ सके। और दूसरा, यह संकल्प वर्ष है। हमारी मान्यता है कि जब 9 अगस्त 42 को संकल्प हुआ तो 47 में वह संकल्प सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से 2017 में अगर हम नए भारत के निर्माण का संकल्प करेंगे तो वह 2022 में सिद्ध होगा। ऐसा संकल्प भी आज यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने लिया है। इस संकल्प को हम नीचे तक ले जाने वाले हैं, हर व्यक्ति को नए भारत के निर्माण के लिए संकल्प से जोड़ने वाले। न्यू इंडिया अर्थात एक विकसित देश, एक ऐसा देश जो निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध हो, तमाम तरह की बुराइयों से दूर विकास के पथ पर अनवरत बढ़ता देश, यही सपना है हमारे प्रधानमंत्री का। और इसी सपने को साकार करने के लिए देश में संकल्प से सिद्धि की शपथ दिलवाई जा रही है। लोगों को नए भारत के निर्माण में आगे आकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस सपने को पूरा करने में हर भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर जुटा है।